सारी दुकानें खुली रही। क्या बात है, आज कांग्रेस द्वारा जो बंद बुलाया गया था वो असफल रहा। इनकी रीति नीति और नियत तीनों साफ नहीं होने के कारण ओंकारेश्वर की एक भी दुकानें बंद नहीं है, पूर्ण रूप से ओंकारेश्वर खुला हुआ है। कांग्रेस सिर्फ लूट झूठ और छूट पे टिकी हुई है, वो किसी प्रकार से सत्ता को हथियाना चाहती है और वो उनके बूते की बात नहीं। आपका नाम बताएंगे और क्या परेशानी? नहीं, परेशानी कांग्रेस से ही है। कांग्रेस से परेशानी? क्या परेशानी? उन्होंने तो जो इतना ही कहना चाहता हूँ, पर अभी जो कांग्रेस ऐलान कर रही है, जो आवाज उन्होंने उठाई है कि बीजेपी ने महंगाई लाई है, पेट्रोल में बढ़ गया है, आप पेट्रोल से पेट्रोल के भाव से हो 200 रुपए हो भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहिए। महंगाई नहीं बढ़ती थी क्या? हमने क्या दुनिया को सस्ता दिया था क्या? दुनिया भर का एक दुनिया भर का कर्जा करके रखे था, ये अपना मोदी कर्जा करके कुछ कर रहा है, उसको भी करने नहीं दे रहा है। कोई फर्क नहीं, वो लोग क्या है बंद बारा बोलो तो वो लोग देखता है अपना वजन कितना है, पब्लिक कितना अपने को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्या जरूरत है सपोर्ट करके? तुम देने वाला रोज कमा के खाने वाला उसको थोड़ी देने वाला है। $43 તો જે અમરેલીમાં દુકાનો બંધ કરવા માટે અપીલ કરવા નીકળ્યા હતા ધાનાણી, ત્યારે સામે અહીં બહેસબાજી જોવા મળી હતી। જે દુકાનદારો હતા વેપારીઓ તેઓ કહી રહ્યા હતા કે કોંગ્રેસના શાસનમાં પણ આજ પ્રકારનો ભાવ વધારો હતો, અહીં દલીલબાજી જોવા મળી હતી।